सिडनास सिडनास। ओ माय गॉड, इस बार के बिग बॉस के सीजन में अगर किसी जोड़ी की सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई है तो वो है सिद्धार्थ और शहनाज। इन दोनों की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आई थी। दोनों का लड़ना, एक दूसरे से भिड़ना, फिर गले लगाकर सब ठीक करना, दोनों की बॉन्डिंग ने ऑडियंस को इस कदर दीवाना किया कि लोगों को दोनों में कुछ कुछ होता है कि राहुल अंजलि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि राज सिमरन नजर आए। वहीं दोस्तों, बिग बॉस के बाद शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी को फैंस देखना चाहते थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। शहनाज की शादी की जोरों शोरों से बातें होने लगी थी, फिर पता चला कि शहनाज का एक शो आ रहा है जिसका नाम होगा मुझसे शादी करोगी। ये शो शुरू हुआ और लोगों ने खूब हंगामा किया और कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ शहनाज और सिद्धार्थ को ही साथ में देखना चाहते थे। ट्विटर पर हैशटैग फैंस डिमांड सिद्धार्थ शो भी ट्रेंड कर रहा था। वहीं दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ और शहनाज को लेकर एक नया शो आ सकता है। अब क्या होगा शो का नाम? क्या कोई सीरियल होगा? क्या दोनों का लव एंगल दिखाया जाएगा? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये खबरें जरूर आ रही है कि कलर्स चैनल इस पर विचार कर रहा है और एक प्रपोजल भी दिया गया है दोनों का साथ में शो बनाने के लिए। वेल, जैसे ही अप्रूव होगा तो आप सिद्धार्थ और शहनाज को साथ में देख पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फैंस की डिमांड पर ही चैनल ने ये फैसला लिया है। वैसे अगर ऐसा होता है तो सिद्धार्थ के फैंस की तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। वैसे गाइस, क्या है आपका इस पर विचार, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और छोटे पर्दे से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जब इस शो में आया था तो इसी तमन्ना से आया था कि ये शो जीतूं, और आज इतने हफ्ते बीत जाने के बाद जब जो भी हाथ में आई है तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था और ऑफकोर्स सब चाहते हैं जीतने। यहाँ पे हर एक कंटेस्टेंट जो आया था वो चाह रहा था कि वो जीते, और मैं भी उनमें से एक ही था। और बिल्कुल यू नो, जो एंजाइटी होती है और नर्वसनेस होती है वो भर भर के टूट टूट के पड़ी थी मेरे अंदर। और हाँ, एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जी जी जी, बहुत मॉम से ज़्यादा रिएक्शन एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिला क्योंकि एकदम से यहाँ पर आ गए, बट आई एम श्योर बहुत खुश होंगी। तो हाँ, ये वाली ट्रॉफी जीतने वाली। हाँ, देखिए, मैं जीता हूँ तो आई एम श्योर वोट्स मिले होंगे अब, और ये वोट्स लोगों ने किए होंगे तो, पर मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है उनके साथ तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। जब मैं बाहर जाऊँगा तब शायद मुझे पता चलेगा कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, क्योंकि पूरे समय जब मैं अंदर था तो मेरा यही था कि क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या सही हो रहा है, क्योंकि इतनी बातें, इतनी चीज़ें, इतने एक्यूजेशंस और जो कुछ भी आप पे लगते रहते हैं तो आपको नहीं पता कि आप, आपके रिएक्शंस ऑफ कोर्स यू नो, जैसे भी आए आप लोगों ने देखे हैं। नॉट रियली, यू नो व्हाट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, defeating Asim and winning the victory and you know being victorious is, was never my idea or you know something that I really wanted to you know do. I wanted to win clean and simple, and that's about it. Yeah. Okay. Yeah. कितना बदलाव आया आपके बिहेवियर में? कहाँ पे? आपको लग रहा है कोई बदलाव आया? यार अभी आप मेरे को कुछ बोलने लगे हो, मैं अभी भी अग्रेसिव हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, दो तो सब में होता है ना। अभी देखो ये कहाँ थी, वो इतना चिल्ला रही थी, वो थोड़ा अग्रेसिव होंगी। वो तो मौके होते हैं, होता है, चीज़ें होती हैं, पर आपके आपके ऊपर कैसी क्या क्या बीत रहा है, किस सिचुएशन से आप पास करें, आपका रिएक्शन वैसे होता है। हाँ, अगर स्क्रिप्टेड होता और सब कुछ रिएक्शंस देने होते जिस तरीके के लोगों को अच्छे लगने चाहिए या जैसे जाना चाहिए, अगर वैसा होता तो शायद अलग होता, बट वैसा नहीं होता और वैसा नहीं है शो में, तो फिर नेचुरल आते हैं। जब लोग अच्छे हैं आपके साथ तो आप अच्छे हैं, जब आपके साथ नहीं है, चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं तो कुछ वक्त तक आप कंट्रोल करते हैं, जब आपके कंट्रोल के बाहर जाता है तो आप शायद चिल्लाते हैं। और आपका प्यार भी दिखा लोगों को, सब दिखा। आप जब बाहर आ गए, आपने
आके 15 मिनट नहीं हुए हैं, क्या चेंज देखूंगा मैं। एक चेंज ये दिख रहा है कि मेरे को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, इतने दिखते नहीं थे मेरे को, तो हाँ अच्छा लग रहा है। शहनाज के साथ कैसा बॉन्ड रहेगा? बॉन्ड अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली वी बी इन टच एंड थिंग्स लाइक दैट, बट हाँ हाँ यार मेरा प्रॉब्लम पता क्या होता है कि मैं सुबह वर्कआउट करने जाता हूँ, जब मैं बाहर था करके, जब जाता था एक आम जिंदगी में था तभी, तो मैं मोस्टली अपना फ़ोन बेसमेंट में रख देता हूँ, बिकॉज वाइल वर्किंग और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं डिस्टर्ब हूँ और फ़ोन कॉल्स लूँ, तो मैं और मैं काफ़ी देर वर्कआउट करता हूँ, तो मैं तभी तक फ़ोन अनअवेलेबल रहता है, तो बहुत बार मैं रहता नहीं, शूट्स पे रहता हूँ जब भी, तो ऑफकोर्स आपका उसमें मैं फ़ोन लेके नहीं घूमता रहता हूँ शूट पे, तो इसीलिए मैंने बोला था ये बात, तो आप लोग इसीलिए पूछ रहे, मेरे को पता है कहां से। अच्छा, दादी लाइक कमाल, लाइक डिफरेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू शहनाज, वी सॉ अ डिफरेंट साइड टू योरसेल्फ, व्हाट वाज अबाउट दैट काइंड ऑफ ब्रॉट द चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी? It was how she was, is how I was, in the sense that, you know, when you speak to me nicely, you know, Raj. Nice to you, if, you know, I don't get that from you, then of course you get something else from me. So, you know, she's the way she is, and, you know, I was good enough to, you know, I would, as in, I'd like to be the way she was, and I was doing things that came naturally to me. But did you like that side of yours? Did you know that you had this side? Okay, if I put it in this way, I don't know if it sounds right or not, but I'm great with kids, and you know, for me, Shehnaz is like a kid, and she's very kid-like, and of course, you know, to be very honest, if I happen to say that the kind of moods that you all have seen me in, my best few moments in the house have been thanks to Shehnaz, and you know, the ups and downs, you know, with Shehnaz has also been great, because you know, it's kept me off a lot of things, it's eased me out. A lot of conversation that happens inside the house is not something that I'm really used to or I usually like to be a part of, so you know, I had to be there. Now with staying with her, it just eased me out, because I had somebody to speak to, and I could, you know, speak just about anything and nothing. So that was fun, and yeah. So I think you might, my journey for however, as in the way it's gone, I think it's been, I've been able to be in it. I say that was a lot to do because, you know, of my friendship with Shehnaz, because it just made me, you know, get myself off the game. Yeah, sorry. बहुत ज़्यादा सलमान सर की सजेशंस, इनफैक्ट क्या होता था कि बहुत बार सलमान सर आपको कुछ बोलते हैं और उसके ही कुछ 2-3 दिन बाद, क्योंकि आपके जहन में है कि आप वो चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं उनके ऊपर आप वर्क करेंगे, और तो आप वो करने जाते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं कई बार अलग तरीके से रिएक्ट करने के लिए करने के लिए, और आप करते हैं, तो बहुत बार अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट होता था कि सलमान सर, यू नो, आपको इतना टाइम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं चीज़ें, और आप यू नो, शायद कभी 1-2-3 दिन आप चीज़ें ओवरलुक करते हो, पर 34 दिन क्योंकि आपके पास और कुछ नहीं है, तो वो चीज़ आपसे निकल जाती है जो वो नहीं चाह रहे कि आए, और आप वही चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी लगता था कि आप उन सजेशंस पे वर्क नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि आप वर्क कर रहे हो पर ऐसा लगता है कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि फिर वही चीज आ जाती है। One last question, guys. आपने बहुत बार ये चीज बोली थी कि आसिम से आप बाहर निकल के मिलोगे, बाहर जी 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 जी, आप आगे बाहर आ चुके, तो क्या बात? तो मैं मिला ना आसिम को, लेकिन आसिम ने मुझसे बात की और उसने सब क्लियर किया मेरे साथ, एंड यू नो, वी शुक हैंड्स एंड इट्स ऑल गुड नाउ। How I wish I knew. I really need to know what's happening, to be very honest. I mean, I see this beauty in my hand and I feel great, but I really don't know what it is. Give message to your fans and closer. Give message to your fans and closer. Hare! You also want to answer. आपको मैं कैसे बताऊँ, मैं अगर कोई कंपटीशन में जाता हूँ तो वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हु इज माय कॉम्पिटिटर, ओके, बिकॉज आई एम फोकस्ड ऑन विनिंग एंड आई वांट टू डू द बेस्ट आई कैन टू विन, इट रियली डजंट मैटर हु द कॉम्पिटिटर्स आर, एंड
You know, I'm sure all of them are strong. They were strong and great. But I was actually never wanting to compete with them. I was just chasing, you know, that I'd set myself out to, and things just happened. So the other message to Siddharth, so we've been working last. You know, the only thing that I can say is that when I got into the show, I wasn't really sure of how people's reaction towards me would be, because, you know, it's been great and they've been very kind to me while I've been shooting and while I've been acting, because I've been portraying characters, and I always felt that the love and, you know, the love and the kindness that they flow towards me is somewhere I used to feel that I really do not deserve it, simply because, you know, I'm playing a character and that's not me. And a lot of times in a lot of interactions with them, I have told them and I put this in front of them that, you know, I really don't understand where this comes from. It feels great, but I know that I don't deserve this, simply because, you know, I'm not the character and you all love the character. While I got into the show, my only hitch was that are these people, you know, who've been supporting me, and, you know, people who, you know, they have a perception of me for the characters that I play, would they be able to accept who I am, because I am not exactly like the characters that I play. So yeah, I had that hitch in me, but as long as I wanted to. Thank you.